क्योंकि सच जरूरी है। फिर टूटा सैकड़ों गांव का संपर्क। गढ़चिरौली जिले में बारिश के कारण भामरागढ़ तहसील की पालकोटा नदी कुड़केला नाले में बाढ़ आ गई। इसके कारण हेमलकसा भामरागढ़ मार्ग बंद हो गए हैं। इसमें 300 गांवों का संपर्क तहसील व जिला मुख्यालय से टूट गया है। पिछले दिनों भी लगातार बारिश के दौरान भामरागढ़ तहसील के सैकड़ों गांवों का संपर्क 3 दिनों के लिए टूट गया था। सीईओ पर 10,000 का जुर्माना। नागपुर के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुनील वी शुक्रे व न्यायमूर्ति एस एम मोड़क की खंडपीठ में गोंदिया जिला परिषद सीईओ पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसकी राशि उनके वेतन से कटाकर उच्च न्यायालय की लीगल सर्विस सब कमेटी नागपुर में जमा करने के निर्देश दिए हैं। विपक्ष को दिखा रहे ईडी का डर। नागपुर के विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि सरकार अब विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ईडी का डर दिखाने का काम कर रही है। यही वजह है कि 21 अगस्त को मनसे नेता राज ठाकरे के नेतृत्व में ईवीएम के खिलाफ निकाला जा रहे सर्वदलीय मोर्चे की घोषणा होते ही राज ठाकरे के खिलाफ ईडी की ओर से समन्स दिए जाने की खबरें आने लगी है। कल मुंबई में हुए सर्वदलीय बैठक में राज ठाकरे ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ईडी से घबराता नहीं, अब कांग्रेस भी इस मोर्चे में